आज हम बात करेंगे आईआईटी जेएन के थ्रू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कौन सी कैटेगरी को मिनिमम कितने मार्क्स पर एनआईटी मिल जाएगी और कौन कितनी मिनिमम रैंक पर कितनी रैंक चाहिए ताकि उनको आईआईटी मिल जाए। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट काउंसलिंग से लेकर आईआईटी एनआईटी कॉलेज तक की हर प्रकार की इंफॉर्मेशन के वीडियो आपके लिए मैं इस चैनल पे डालूंगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए कितनी रैंक हो ताकि उसको एक आईआईटी मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट मैं फिक्स तो नहीं बताऊंगा कि एज इट इतनी रैंक पर तक ही आईआईटी मिलेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू बैक ईयर एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके 350 तक रैंक है जनरल कैटेगरी में तो आपको आईआईटी मिल सकती है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के थ्रू। अब लास्ट में आपको आईआईटी चाहिए तो वो न्यू आईआईटी मिलेगी, या फिर जो हमारे पास आईआईटी रुड़की है उसमें इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स के थ्रू मिलता है, उसकी सबसे कम कट ऑफ होती है मैथमेटिक्स में। तो ये तो अपने पास है जनरल के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम रैंक जो है न्यू आईआईटीज और आईआईटी रुड़की के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए तो वो है 450 या कभी कभी 500 तक भी मिल जाती है कुछ न्यू आईआईटी। इस बार सीट भी जो ऐड हुई है इस बार, इसलिए एंड जो अपने पास एससी एसटी है उनका 700 से 800 रैंक तक का सिलेक्शन हो जाता है इसके अंदर। फ्रेंड ये चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि जो आईआईटी होगी वो आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी उनकी कट ऑफ रैंक के ऊपर होगी, और जो एनआईटी है उनकी कट ऑफ मार्क्स के ऊपर होगी। तो ये कंफ्यूज मत हो कि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इतनी रैंक है मेरे को कौन सी आईआईटी मिलेगी, और कई पूछते हैं इतने मार्क्स है सर कौन सी आईआईटी मिलेगी। तो जो एनआईटी है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगी और जो आईआईटी है वो रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पर हमें मिनिमम कितने मार्क्स पर हमें एनआईटी मिल जाएगी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी देखो लगभग 34 कट ऑफ रही है, तो इसकी आपको बता दूं कि 38 मार्क्स तक थर्ड राउंड में लास्ट राउंड में आपको 38 मार्क्स तक आपको एनआईटी मिल जाएगी। अब जो एनआईटी मिलेगी वो मिनिमम मार्क्स पर जो आपको एनआईटी मिल रही है वो ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी एनआईटी है, वो एनआईटी आपको पूर्वी साइड वाली मिलेगी, जैसे एनआईटी मणिपुर है, मिजोरम है, एनआईटी असम है, अरुणाचल है, इस टाइप की, या पंजाब सिल्ट है, इस टाइप की आपको एनआईटी मिलेगी, आपको बहुत बढ़िया एनआईटी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। और इसी प्रकार की जो मिनिमम मार्क्स कितने हैं ओबीसी के लिए, तो मिनिमम मार्क्स देखो ओबीसी के लिए रहेंगे अपने पास, ओबीसी के अपने पास जो है कट ऑफ 30 है, तो 35 तक आपको इस टाइप की एनआईटी मिल सकती है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए इस टाइप की एनआईटी यानी मिनिमम मार्क्स पर 25 मार्क्स पर आपको पूर्वी साइड वाले एनआईटी मिल जाएगी। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो के लिए, इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर